टाइम्स डेली HD न्यूज। दो साल के कोरोना संकट के बाद खजराना में ईद के मुबारक अवसर पर हजरत नाहर शाह वली दरगाह मैदान पर 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ ईद की पूर्व संध्या पर हुआ। मेला संयोजक मुनव्वर अली शाह ने बताया कि मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले तथा फूड के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही मेले की सबसे खास बात यह है कि मेले में आने वाले लोगों को व्यक्तिगत बीमा की सहूलत दी जा रही है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति का 50 लाख का बीमा हुआ है। इंदौर में किसी भी मेले में लोगों के व्यक्तिगत रूप से इतने बड़े राशि के बीमे का यह पहला आयोजन है जहां आम लोगों की पूरी तरह से फिक्र की जा रही है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इसका एग्रीमेंट किया गया है। मेला संयोजक मुनव्वर अली शाह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि विगत दो वर्षों से कोरोना व अन्य कारणों से हजरत नाहर शाह वली खजराना में उर्स पर भी मेला नहीं लग पाया था, लेकिन अब इस मेले को लेकर सभी में जोरदार उत्साह है। मेले में इलाहाबाद की रंग बिरंगी चूड़ियां, घर के किचन को सजाने के लिए घर संसार सेल भी लगी हुई है। इसके अलावा महिलाओं के श्रृंगार का सामान, फैंसी ड्रेस, ज्वेलरी की दुकान, बच्चों के खिलौने, कटलरी, चटपटे स्वादिष्ट व्यंजन, आइसक्रीम, कुल्फी के स्टॉल के साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए मिकी माउस, जंपिंग झूला, चक्री, ट्रेन व अन्य विदेशी झूले भी उपलब्ध हैं। श्री शाह ने बताया कि हर बार ईद के अवसर पर 3 दिवसीय मेला लगता है, किंतु पहली बार हम 10 दिवसीय मेला लगा रहे हैं। सोमवार को गणमान्य अतिथियों द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा, पूर्व पार्षद हाजी उस्मान पटेल, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नासिर शाह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री वाहिद अली, भाजपा मंडल अध्यक्ष इम्तियाज मेमन, वरिष्ठ समाज सेवक हाजी चांदखा पठान, जाकिर पटेल मदनी, हारून भाई लीडर जाकिर पटेल मदनी, हारून भाई लीडर, जाकिर भाई नेता सहित अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शुभारंभ के पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत मेला संचालक मुनव्वर अली शाह द्वारा किया गया। ईद के अवसर पर हम जो देख रहे हैं खजराना में एक मेले का आयोजन किया गया, क्या किस तरह से पूरा एक आयोजन संपन्न हो रहा है, कोरोना के बाद में किस तरह उत्साह दिखाई दे रहा है सभी में ईद को लेकर? खजराना ईद मेला 2 वर्षों बाद लग रहा है और खजराना की जनता नहीं बल्कि पूरे इंदौर की जनता में इस मेले के प्रति हर्ष उल्लास है। और ये मेला विगत करीब 20 साल से लगता आ रहा है और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ इस मेले का आयोजन में आते हैं। और कोरोना के चलते 2 वर्षों से दरगाह नाहर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया जाता फरवरी महीने में, कोरोना की वजह से नहीं मनाया गया, ईद भी नहीं हुई। अब 2 साल बाद जब ये आयोजन ईद मेले का हो रहा है तो आम जनता में बड़ी खुशी है और बड़ा अच्छा माहौल बना है। और यहाँ तक के हमारे थाना प्रभारी महोदय, उनका भी बड़ा सहयोग रहा, योगदान रहा। हमारे कार्यपालन यंत्री दरगाह नाहर शाह वली के सिराज खान साहब, उनका सहयोग रहा। हमारे इम्तियाज मेमन साहब का सहयोग रहा और दीगर जितने भी जनप्रतिनिधि है इस मेले लगाने में सबका सहयोग रहा और सभी बड़ी खुशी से आज आए और मेले का ओपनिंग हुआ। और इंशाल्लाह कल ईद है, कल से मेले की शुरुआत हो जाएगी। कितने दिनों तक ये मेला जारी है? ये अक्सर तो पहले 3 दिन चलता था मगर अब ये 10 दिवसीय ईद मेला है और बड़ी अमन और सुकून शांति के साथ मनाया जाएगा।